Continuing with 15th question of back exercise, George started business. We have to do today the last 2 points, that is fifth point. Fifth point, what he says, advance, receipt from a customer. Practical ho ke socho. Hamare customer ne humse saman khareedna hai, usne hame advance de diya. तो जब तक मैं उन्हें सामान बना के सप्लाई नहीं करती तब तक ये एडवांस मेरी लायबिलिटी होगा एंड दिस एडवांस आई एम रिसीविंग बाय चेक विल तो चेक की फॉर्म दिस टू बी रिटन विद यू राइट 5000 का चेक मेरे कस्टमर ने मेरे को एडवांस की फॉर्म में दिया है सो दिस चेक आई विल बी पुटिंग टू माय बैंक बैंक का बैलेंस बढ़ा दीजिए और जब तक आप उसको सामान बना के सप्लाई नहीं करते हो तब तक ये एडवांस लायबिलिटी रहेगा एक तो एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी बना लीजिए लाइबिलिटी के कॉलम में लिखिएगा और सेकेंडली इट इज टू बी एडेड टू द बैंक बैंक का बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में चल रहा है बिगिनिंग में ही हमारा प्रोप्राइटर जॉर्ज बैंक का बैलेंस लेके आया था मान लो नहीं भी हो बैंक का बैलेंस तो नया बैलेंस क्रिएट कर लेंगे चेक ऑटोमेटिकली बैंक में ही जमा होता है तो एक आपने बैंक के बैलेंस में एड करना है दूसरा आपने इसे लाइबिलिटी दिखाना है अगेन अ न्यू पॉइंट फॉर यू एंड इट इज given in the question beginning bank balance was given in the question so that's why we will be putting this balance to my bank balance now come to the next sixth point you will be continuing with the question first 4 points yesterday we have discussed you will be treating this fifth transaction there only right goods destroyed by fire let me write the statement here goods destroyed by fire आग लगने के कारण मेरा सामान खराब हुआ सो लॉस है ये तो पता है हमें लॉसेस विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल 12000 अब अगला सुनो पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को ट्रीट करते हैं पड़ा पड़ा सामान आपका क्या हो गया आग लग गई और खराब हो गया एक तो इसे स्टॉक में से माइनस करिएगा डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ये माइनस का साइन डाल रहे हो स्टूडेंट्स डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एज राइट अब ऐसा रैशनल बिजनेसमैन जॉर्ज ने अपने इस स्टॉक की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी भाई सो जॉर्ज ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी तो उसे इंश्योरेंस क्लेम मिला वो अगली ट्रांजेक्शन बने और इंश्योरेंस क्लेम इस बार उसने वर्ड लिखा है एडमिटेड एडमिटेड का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया आपको इतना पैसा देने को तो जो बंदा मेरे को प्रॉमिस करता है फ्यूचर में पैसा देने को बंदा मेरा डेटर बन जाता है तो अब मैं अगली ट्रांजेक्शन का क्या करूंगी आप वर्ड लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि वो मेरी डेटर बनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए अपना डेटर बना लीजिए और वर्ड इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे एसेट में इंश्योरेंस कंपनी लिखिए ठीक है जी आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है एडमिट किया एडमिट का मतलब क्या है इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड यू टू गिव द अमाउंट ठीक अमाउंट मिल जाए तो भी इनकम है मिलने वाली हो तो भी इनकम है एक कैपिटल में ऐड कर देना एक एसेट बना लेना एक कैपिटल में ऐड कर देना तो पहली ट्रांजेक्शन जब लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस ठीक है अब देखो लॉस हुआ 12 का लेकिन आपको कॉम्पनसेशन सिर्फ 9 की मिल रही है सो व्हाट जरूरी नहीं है कि जितने का नुकसान हो उतनी ही कॉम्पनसेशन मिले कॉम्पनसेशन कम भी मिल सकती है तो जितनी कॉम्पनसेशन देने का उसने प्रॉमिस किया है उतने से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाइए और 9000 को कैपिटल में ऐड कर दीजिए बिकॉज दिस इज इनकम टू बी रिसीव इन फ्यूचर राइट और जब नुकसान हुआ था तो स्टॉक में से माइनस कर देना और कैपिटल में से माइनस कर देना दिस वाज योर ओवरऑल 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी भी किसी को कोई डाउट है यू मे आस्क 17th में सारी बातें उसने लोन लेने और लोन देने की करी सो दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू बिकॉज दैट 6 पॉइंट्स विल हेल्प यू अ लॉट टू लर्न the things when you lend money means आप किसी को लोन देते हो जब वो वर्ड लिखता है borrowed money it means कि आप किसी से लोन लेते हो when you take loan that is your liability and when you give loan that is your asset now Vinayak again that Vinayak is there and his tell me Vinayak is there in the class or not yes Samuel commenced business commenced In 16th question, first transaction. Now it is clear to everyone. Business commenced. What he brought when he commenced business? Cash and furniture. So cash is 60,000. Furniture is 30,000.
कैशियर 60,000, फर्नीचर इज 30,000, लेट्स डू द टोटल ओवर हियर. लाइबिलिटी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नहीं है, सो कुछ डैश ओवर हियर. देन वी हैव कैपिटल दैट इज स्टूडेंट्स 90,000. Done. This is 90,000. Draw the double line. Now come to the second number. Purchase goods on credit from Manisha. Manisha से सामान खरीदा और credit पे खरीदा. Students, अब की बार पहली बार आपको क्रेडिटर का नाम दे रखा है. सो मनीषा से जब आप उधार पे खरीदोगे तो मनीषा को यहाँ पे अपना क्रेडिटर बनाओगे. और क्योंकि आपने सामान खरीदा है तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा. स्टॉक आया, लायबिलिटी बढ़ी. तो क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, राइट. सो कैश इज रिमेनिंग इंटैक्ट. कैश में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि आप उधार में खरीद रहे हैं. और फर्नीचर में भी कोई कमी नहीं आएगी बिकॉज फर्नीचर इज अगेन सेम एंड स्टॉक यू आर बाइंग बट दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस. तो मैं मनीषा को अपना क्रेडिटर बना लूंगी. 45,000 का सामान मैंने खरीदा. आपको सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना है. When you buy the material for 45,000, total दोबारा करने नहीं बैठेंगे. पहली ट्रांजेक्शन का टोटल 90,000 है. 90,000 में 45,000 माइंड पे कैलकुलेशन करिए, 135 बनेगा. ठीक है जी. सो लाइबिलिटीज आर वेल. हियर द कैपिटल इज 90,000. मनीषा से मैंने उधार पे खरीदा. सो मनीषा इज बिकमिंग माय क्रेडिटर. आई राइट हर नेम दैट इज 45,000. सो 135 में से 45,000 अगर हम माइनस करेंगे, अगेन योर अकाउंटिंग इक्वेशन गेट्स मैच. ड्रॉ द डबल लाइन. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. Yes. After that, what happened? Two-third. पहले तो इसका working note देखिए. Two-third of the above goods. 45,000 का two-third करिए. Simple maths का proportion का formula लगा के fraction इसकी calculate करेंगे तो 30,000. Two-third of the above goods means 30,000 cost है. पहले तो ये make it sure this is cost. ठीक है. Means ऊपर वाले सामान का two-third मैंने बेचना है. अब नया concept क्या है? Profit है. 25% कमाना है लेकिन on sale. सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सेल का कहता है 25% है. तो आपको मैथ्स में सिखाया होता है जिस चीज की परसेंटेज दी होती है उसे एक्स मान लीजिए. सो आई विल बी अस्यूमिंग सेल इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 25% ऑफ एक्स. दैट विल बी एक्स ओवर 4, राइट. प्रॉफिट कितना? अगर सेल मैंने कितनी मानी है? एक्स. तो प्रॉफिट कितना हो गया? एक्स ओवर 4. लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान से देखिए. अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी? आई एम अस्यूमिंग सेल इज इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स ओवर 4. सो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो. करवाया हुआ है ना फॉर्मूला आपको प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में, लोअर क्लासेस में, मैथ्स में. एक्स माइनस एक्स ओवर 4, 4x माइनस x, 3x ओवर 4. सो कॉस्ट आई गॉट 3x ओवर 4. नाउ आई एम हैविंग एन इक्वेशन कॉस्ट गिवन. 45,000 का 2/3, so that is 30,000 beyond 3/x. ठीक है. तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल कम टू मी 120. 120 डिवाइडेड बाय 3/x, दिस विल बी 40,000. सो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 40,000. मीन्स सेल आई आपके 40,000. ठीक है. सो आई एम हियर बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, एक्स इधर आ जाएगा ना. ठीक है. सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 40,000. कॉस्ट कितनी थी स्टूडेंट्स? 30,000. सेल कितनी आई? 40,000 आई कैलकुलेटेड. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस
40,000 का 25% निकालिए, 1/4, 10,000 क्या होगा? प्रॉफिट होगा. सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि उसने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है कि सेल पे दे रखा है. अब से पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां पे भी प्रॉफिट था, बट दैट वॉज ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट वॉज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे 30,000 का 25% मत निकालने बैठ जाना. अगर आप 30,000 का 25% निकालेंगे तो 7,500 आएगा, विच विल बी रॉन्ग, राइट? क्योंकि हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई हैव अज्यूम्ड सेल इज इक्वल टू एक्स, सो प्रॉफिट इज 25% ऑफ एक्स, दैट कम्स टू मी एक्स बाय 4. अब मेरे पास तो क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, आई कैलकुलेटेड कॉस्ट ओवर हियर 3x/4, ठीक है. अब मैंने 30,000 का क्या किया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू एक्स कर दो, ठीक है. So that will come to me 40,000. X की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000. सिंपल मैथ लगाया तो ही सेज 2/3 ऑफ द गुड्स मैंने बेचा, 25% प्रॉफिट ऑन सेल पे, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली, मींस 40,000 का 20,000 मेरे को उसी टाइम मिल गया, 20,000 का डेटर बना ले. तो ध्यान से सुनिए, 20,000 का कैश बढ़ाइए, 20,000 का डेटर्स बढ़ाइए और स्टॉक को 30,000 से कम कीजिए और 10,000 कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करो. 40 का हिसाब किताब इधर बना लिया, जो मिल गया वो कैश में डाल दीजिए, जो नहीं मिला उसे डेटर बनाइए ना. 30,000 से स्टॉक कम करिए बिकॉज स्टॉक ऑलवेज गेट रिड्यूस विद कॉस्ट. तो क्या लिखेंगे, 2/3 ऑफ द अबव गुड्स sold at a profit of 25%. It is 25 now? Yes. 25% on sales. Half of the payment received immediately. Half of the payment received. Agar half of the payment received ke baare mein bol raha hai, it means ki baaki half nahi mili. Jo nahi mili wo debtors bana lenge. Jo mil gayi hai usse कैश में डालिए 20,000, कैश बन गया 80. फर्नीचर इज सेम एज ऑफ अर्लियर 30, यस, स्टॉक में से 30,000 माइनस करिए 15 और डेटर्स बनाइए 20,000 के. 20,000 कम हुआ, 40,000 ऐड हुआ, ओवरऑल टोटल में 10,000 ऐड हुआ, 145. मनीषा हमारी क्रेडिटर उतनी अमाउंट से ही है और जो 10,000 का प्रॉफिट था कैपिटल में ऐड कर दीजिए. ऐड प्रॉफिट ₹45,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 1 lakh. अगेन योर इक्वेशन गेट्स मैच, राइट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे आस्क. So third point I will not erase again and I will be erasing first and second point. Let's see. I'm repeating. Manisha might have told us that she wants a written promise. So humne usse bola 20,000 ka tu written promise hum logon se le li. Jab hum kisi se written promise karte hain to us document ko hum bills payable kehte hain. So I will be reducing 20,000 from Manisha and I will be creating a new liability calling bills payable. Theek hai? So bill drawn by Manisha accepted. Drawn by Manisha accepted. Asset mein koi change nahi, as it is vacant. Cash 80,000. Furniture 30,000. Stock 15,000. Debtors 20,000. Right? So assets ka total aayega. So, बच्चे एसेट्स का टोटल आएगा 45,000. मनीषा 25 से रह जाएगी क्योंकि बिल्स पेबल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है. दैट इज आवर लायबिलिटी वेयर बाय वी मेड अ रिटन प्रॉमिस टू पे टू मनीषा ₹20,000. सो लायबिलिटीज का टोटल 45 ही रहा. कैपिटल इज अगेन सेम 1 लाख.
So once again, your accounting equation gets satisfied. Next, orally we can discuss cash. Yes, accepted. Depreciate furniture. Furniture के ऊपर 10% depreciation लगाओ. खुद calculate करो 10%. 30,000 का 10% calculate किया, तो 3,000 depreciation हुई. एक तो furniture में से minus कर दो. Second एक being an expenditure, capital में से minus कर दो. 3,000 से assets कम होगा और 3,000 से capital कम होगी. Once again you will find both the sides of accounting equation will match. Let's see. Depreciate furniture first point. Easy था question overall. सिर्फ एक नया फंडा हम लोगों ने सीखा. BP already discuss किया हुआ था illustration में. And 25% on sale. That is the profit I calculate, right? This is what depreciate furniture by 10%. तो 30,000 का 10% माइंड में कैलकुलेशन चली. 3,000 मैंने माइनस किया. Cash is remaining same. Depreciation is always a non-cash expense, right? We never pay this expenditure to any outsider. We just keep the money with us in order to buy the new asset when the old one will be discarded. This is a rule. Depreciation ka full-fledged chapter hai hamare syllabus mein. You will learn a lot in that chapter about depreciation. Stock is 15,000 and the debtors are 20,000. So overall total में से 3,000 minus करिए, it will be 142, right? Manisha is with 25,000. BP, there is bills payable with 20,000. So liabilities actually 45,000 की है. Capital with you was 1 lakh minus depreciation 3,000. So it will come to me 97,000. You can find it now again. 142 deducted, subtract from it 45,000. You will find the same total, that is 97,000. So this was your question number 16. Now come to the question number 17. Yes, students, in between fourth point I left. Fourth point mein dekhiye. Pehle to thoda sa recall kariye. Manisha se maine 45,000 ka saman credit pe kharida. Theek hai. थर्ड पॉइंट छोड़ के फोर्थ पॉइंट में कहता है 1/3 अमाउंट ड्यू टू मनीषा. इसका मैंने 1/3 निकाला. इसका 1/3 बना भाई 15,000. 45,000 का जब 1/3 निकालते हैं तो 15,000 बनता है. अमाउंट ड्यू टू मनीषा वॉज पेड. हम लोगों ने पे कर दिया, लेकिन इसके ऊपर 4% उसने मेरे को सीडी का मतलब कैश डिस्काउंट दिया. सो 15,000 में 4% जब कैलकुलेट करते हैं 600. इट मीन्स कि हमने उसे पेमेंट करी है 14,400 की. 14,400 आप क्या करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम कैश. और जो 600 रुपया डिस्काउंट है ये कैपिटल में से माइनस करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. और मनीषा में से 15,000 माइनस करेंगे. इट मीन्स कि मनीषा जो मैं ऑलरेडी चला रही हूँ 45, 45, 15 से तो वो पहले से ही माइनस हो जाएगी. तो मनीषा का बैलेंस आपका 30,000 रह जाएगा. फिर 30,000 बैलेंस में से मैंने क्या किया, 20,000 का उसे बीपी दे दिया. इट मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी 10,000 और 20,000, 30,000 की लाइबिलिटी होगी बिकॉज 15,000 यू पेड. आई एम रिपीटिंग, ही सेज 1/3 ऑफ अमाउंट ड्यू टू मनीषा. सो दिस वॉज द अमाउंट ड्यू टू मनीषा स्टूडेंट्स, 45,000. Calculate is 1/3. I calculated that comes to me 15,000. Then he says Manisha ने हमें 4% discount दे दिया. 4% का मतलब है 100 के पीछे 4 रुपए. तो 15,000 के पीछे 4% निकाल लीजिए, 600 discount पर. Discount is your expenditure. Being an expenditure, it is to be deducted from the capital. ये मैंने लिख दिया. 600 is to be deducted from capital. ये लिखा मैंने capital. डिस्काउंट माइनस करके वो हम लोगों से पेमेंट रिसीव कर रही है. 15,000 में से 600 माइनस कर दीजिए, 14,400 से कैश कम करिए. ये मैंने लिख दिया कैश कम करो, ठीक है. 600 डिस्काउंट में से माइनस करो और ओवरऑल मनीषा में से तो 15,000 माइनस होगा ना. दैट विल बी द ग्रॉस अमाउंट, दैट इज 1/3. सो 1/3 के बदले में मनीषा कहती है मेरे को फुल अमाउंट नहीं दो चाहे, यू जस्ट टेक 600 डिस्काउंट बिकॉज यू आर मेकिंग द पेमेंट टू मी ऑन कैश. तो आपके पास मनीषा का बैलेंस 30,000 रह जाएगा. उसके बाद अगले पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में, आप मनीषा को बोलते हो 20,000 का तो मेरे से और रिटर्न प्रॉमिस दे. तो मनीषा रह जाएगी 10,000 से और बीपी कितने का होगा, 20,000. सो योर लाइबिलिटी टू जर विल नॉट बी नाउ 45,000, दैट विल बी 30,000.
Okay, Himanshu, I am coming to your screen for your query. Himanshu, kari unmute. Unmute yourself. Excuse me, ma'am. Anji, bolo. Excuse me, ma'am. Bolo, bacche. Ma'am, third point samjha do. Third point samjha de tu.